धार जिले के मनावर के समीप ग्राम बोरलाई में ग्रामीणों ने दो कार में सवार सात लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और कारों को भी क्षतिग्रस्त कर आग लगा दी। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं छह लोग घायल हुए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है। धार जिले के तिरला थाने के अंतर्गत ग्राम खिड़किया में बुधवार दोपहर उज्जैन जिले के ग्राम लिम्बा पीपलिया से दो कारों में सवार होकर सात किसान आदिवासी मजदूरों से एडवांस दिए 50,000 रुपए वापस लेने आए थे, जिन पर ग्रामीणों ने पत्थरबाजी कर दी। कार सवार लोग जान बचाकर वहां से भागे, तभी कुछ ग्रामीणों ने दूसरे गाँव में मोबाइल से बच्चा चोर गिरोह की अफवाह फैला दी, जिसके कारण इन कार सवारों को ग्राम बोरलाई में ग्रामीणों ने घेर कर निर्ममता से मारा, जिसमें गणेश पिता मनोज पटेल की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हुए हैं, जिनमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इंदौर रेफर किया गया। ग्रामीणों ने दोनों कारों को भी क्षतिग्रस्त कर आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे। सभी कार सवार उज्जैन जिले के लिम्बा पिपलिया गाँव के किसान है। नरेंद्र शर्मा नाम है मेरा, लिम्बा पिपलिया उज्जैन जिला का रहने वाला हूँ। सर, हम मजदूर के पैसे लेने आए थे यहाँ, और बस उन्होंने पथराव चालू कर दिया वहाँ पहुँचे। और सर, वो हमारे यहाँ पानी वानी देने गेहूँ में इसमें आए थे दाड़की के लिए, तो वो वहाँ दाड़की कर रहे थे। घर से हम चले तेला थाने आए, वहाँ थाना पे सूचना दी थाना वाला साहब ने, और इनने बोला बोले चले जाओ, कुछ दिक्कत नहीं बुला रहे वो तो, पर मगज मारी मत करना सर, हमको गाड़ी में से नहीं उतरने दिया उन्होंने और पत्थर मारने लग गए। हम सर गाड़ी भगाई हमने, फिर पत्थर चालू करे तो आगे फ़ोन कर दिया, बोले बच्चे पकड़ने वाले हैं, तो वो आगे के गांव वालों ने सबने फिर पकड़ के मारा सर। बहुत पूरा गांव ही था सर। बोरलाई गांव थाना मनावर में घटना हुई, जिसमें एक्चुअली पैसे के लेन देन का मामला है, जिसमें ये कुछ दो गाड़ी में पांच छह लोग जिनके यहाँ ये मजदूर काम करते थे, तो क्योंकि इन्होंने पैसे ले लिए थे एडवांस और मजदूरी नहीं ली थी तो करवाई थी, तो ये उनसे कुछ पैसे मांगते थे। तो ये जो गांव वाली पार्टी है खिड़किया गांव की तरला की, लोगों ने उनको बुलाया गाँव में और पहले उनको पत्थरबाजी की, उसके बाद इनको चेस किया। चेस करने के बाद बोरलाई गांव के पास इनको पकड़ के इनके साथ मारपीट की। इस मारपीट में जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई। सर, कितने लोग थे इसकी? देखिए, अभी मुख्यतः इसमें तीन लोगों के नाम आए हैं और अन्य 10-15 लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में थे। सर, घायल कितने? घायल पाँच लोग हैं। कितने की मृत्यु हुई सर इसमें? एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। सर, किस तरह का प्रकरण दर्ज होगा इसमें? अभी पुलिस इसमें जो बलवा की धारा है और साथ में 307 और 302 की धाराओं में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। दबंग न्यूज के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।